आयुर्वेदिक विभाग द्वारा नाहन में तीसरा विश्व आयुर्वेदिक दिवस भगवान धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आयुर्वेद विभाग द्वारा भगवान धन्वंतरी त्रयोदशी पर आयोजित हवन यज्ञ कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पूर्णाहुति डाली और कहा कि मानव के साथ ही बीमारियों का भी जन्म हुआ, जिसके समाधान के लिए भगवान धन्वंतरी ने अवतार लिया था और भगवान धन्वंतरी विश्व की सभी पैथियों के जनक है। उन्होंने कहा कि आज के दिन से प्रेरणा लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध कार्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बिंदल ने कहा कि आज का दिन भारत के लिए महान दिन है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का विस्तार पूरे विश्व में भारत से ही हुआ है। भगवान धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान मानव रोगों के निवारण के लिए हुआ। उन्होंने मानव जाति को जड़ी बूटियों से और प्राकृतिक पद्धति से किस प्रकार रोगों का इलाज करना है, उसके बारे में जानकारी दी। आज भगवान धन्वंतरी का अवतरण दिवस है। जब से ये मानव धरती पर आया है, रोग इसके साथ आए। मानव ने चिंता की कि रोगों से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, वो धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ और दुनिया के अंदर सबसे पहले यदि इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो धन्वंतरी जी के द्वारा शुरू हुई। उसके बाद आकर के विभिन्न प्रकार की पैथियों ने जन्म लिया। सभी के जनक भगवान धन्वंतरी हैं और हमारे सुख के कारक भगवान धन्वंतरी। जो शास्त्रों में कहा वही आज सर्वथा सत्य है। आवश्यकता है आज के दिन से प्रेरणा लेकर के शोध कार्यों को आगे बढ़ाने की। शास्त्रों में जो चीजें उपलब्ध हैं उनके समुचित उपयोग की आवश्यकता है। आज का दिन भारत के लिए, भारत की धरती के लिए, भारत की संस्कृति के लिए बहुत महान दिन है। आयुर्वेद विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर पारिक ने बताया कि यदि हम आयुर्वेद के उपदेशों का सही तरह से पालन करें तो निश्चित तौर पर सभी निरोग व स्वस्थ रह सकेंगे। आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः। धन्वंतरी त्रयोदशी के शुभ मुहूर्त पर, शुभ मौके पर यदि हम सभी लोग आयुर्वेद के उपदेशों का बिल्कुल अक्षर से पालन करेंगे तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का जो वैदिक मंत्र है और उसका जो ध्येय है वह पूर्ण होगा। इसलिए आज के दिन हम आयुर्वेद के उपदेशों को ग्रहण करें और स्वस्थ रहें, देश स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ धन्वंतरी त्रयोदशी की आप सभी को शुभकामनाएं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।